मैं उस डरावनी रात को कभी भूल नहीं सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया। मैं उस डरावनी रात को कभी भूल नहीं सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया। सूरज और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ, सूरज मेरा दोस्त कम और भाई ज्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ते थे। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था। कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि सूरज और मैं पूरे दिन गांव में बाइक से घुमा करते थे। हम दोनों रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे। रात के 11 बजे कामी गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसे सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी। वाकई में बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे उस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल में इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान था। तभी रास्ते में एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वो अंग्रेजों द्वारा नदी पर बनाया गया 100-200 साल पुराना पुल था। उस पुल के बगल में एक बड़ा सा कोई बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था ST जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों उस पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी के बहती हुई पानी से चांद दिखाई दे रहा। इतनी दूर से भेड़िए के रोने की आवाज आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया। चांद एक काले रंग में बादल के पीछे गायब हो। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटरी भयंकर आवाज से चीखती हुई मडराने लगती। मालूम वो हमसे कह रही थी कि यहां से जल्दी भाग जाओ। मैंने कहा, सूरज यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटरी का चीखने का मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। सूरज, अरे भाई कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो, चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने सूरज के कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वो पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैं, सूरज अपने पीछे देख वो औरत क्या कर रही। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही। सूरज, अरे भाई वो खुदकुशी करने जा रही। सूरज ने मुझसे कहा, खुदकुशी। ये सब सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मैं एक बच्चा था। तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी से लटकते हुए देखा था। सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। औरत मदद के लिए बुला रही थी। तभी सूरज ने अपनी टी शर्ट उतारा और पुल के रेलिंग पर चढ़ गए। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए कूद गए। सूरज के नदी में कूदते ही उसने अपने पास देखा तो वो उस औरत
कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। उसने देखा वो डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो पानी के ऊपर आया, लेकिन वो लड़की नहीं दिखी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वो औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वो किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कभी तुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि ये एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर जोर से चिल्लाया, सूरज सूरज। तभी वो चुड़ैल मेरी तरफ देखा, और वो जैसे ही देखा मेरा सिर से पैर तक शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम का टीका था, नाक में बड़ी सी नत्थी पहनी हुई थी, उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे लंबे और नुकीले और डरावने थे। चुड़ैल, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो, हंसते हुए बोली। सूरज पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि ये चुड़ैल है। सूरज हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीर फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाए, क्योंकि मैं अकेले ही उसकी पकड़ में आ गया था। और डर के मारे मैंने अपने पेंट में पेशाब कर दिया। चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उसे अपने साथ नदी में ले जा रही। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने सूरज को चिल्लाते हुए कहा, सूरज जल्दी पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। सूरज पूरी तरह से डर गया था, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वो नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो नदी के बीच में था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर से नदी में छलांग लगा दी। सूरज आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल ने उसे, जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से गिरा हुआ था। पुल पर काफी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे सूरज की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल के बड़े ही बेदर्दी से सूरज के सीने से दिल निकाल लिया। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। उस दिन मुझे कामी गांव के लोगों से पता चला कि उस दिन नदी में 100 साल पहले से ही किसी चुड़ैल का वास। असल में हुआ यह था कि अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरी नाम के एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुंदरी से गांव का कोई भी औरत या आदमी बात नहीं करता था, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरी के पति ने भी उसे छोड़ दिया। जब सुंदरी अपने घर चली गई थी, कामी गांव में ही उसके मायका था, लेकिन वहां भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वो हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसीलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरी ने कामी गांव के
एस्टीव जॉर्ज ब्रिज से नदी में कूद कर खुदकुशी कर ली। मरने के बाद वो एक भयंकर चुड़ैल बन गई। पूर्णमासी की रात सुंदरी उस ब्रिज पर आती और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। कामी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते थे कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वो चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसीलिए वो सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी। उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। सूरज के मरने के बाद कामी गांव के एस्टीव जॉर्ज ब्रिज पर कभी भी वो चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसीलिए कामी गांव के लोग कहते हैं, मेरा दोस्त सूरज उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और इसके बाद वो फिर से जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई। अभी भी वो किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही है। थैंक यू दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।